है। दुकानदार के बेटे को गोली मारने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इस कांड का सही और सफल उद्भेदन कर लिया गया। इस बात की जानकारी पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुमार ने मंगलवार को प्रेस वार्ता आयोजित करके दी। उन्होंने बताया कि संत नगर स्थित शिवलोक मंदिर में जागरण कार्यक्रम के दौरान आपस में वाद विवाद हुआ था, इस बात को लेकर ये घटना घटित हुई थी। चाय दुकानदार के बेटे को गोली मारने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इस कांड का सही और सफल उद्भेदन कर लिया गया। इस बात की जानकारी पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुमार ने मंगलवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संत नगर स्थित शिवलोक मंदिर में जागरण कार्यक्रम के दौरान आपस में वाद विवाद हुआ था, इस बात को लेकर ये घटना कारित की गई। उन्होंने बताया कि इस विशेष टीम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर थाना अध्यक्ष श्री राम सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रभाकर भारती, जिला सूचना इकाई के पदाधिकारी और कर्मी, सदर थाना के सशस्त्र बल के जवान भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि शिव कुमार को मोहल्ले की ही कारी यादव, मुकेश यादव, ब्रजेश यादव, बमबम सिंह, रोशनी यदुवंशी के द्वारा शिव कुमार को सीने में गोली मार देने की घटना को अंजाम दिया गया था। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी को पकड़कर उन अपराधियों की छापेमारी की जा रही है। ज्ञात हो कि सदर थाना क्षेत्र के संत नगर, सीताराम चौक, कारू खेरहर हॉल सड़क स्थित मंदिर के पास चाय विक्रेता के पुत्र शिव कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस संबंध में परिजनों द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए तकनीकी अनुसंधान, तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर घटना में शामिल मुख्य आरोपी काली यादव को गिरफ्तार किया गया। वहीं मुख्य आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक देशी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया और साथ ही घटना स्थल से एक खोखा और एक प्लेट भी बरामद। कल 5:15 बजे के आसपास शाम में एक व्यक्ति थे, उनका नाम शिवा कुमार, उम्र करीब 30 वर्ष थे, पिता बिंदेश्वर राय। उनके एक चाय दुकान पर शिवा कुमार के मोहल्ले के ही जो कारी यादव करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने उन्हें गोली मारी, सीने पे गोली लगी और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वहीं पे उनकी उसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ये घटना घटी तो हमारे सारे वरीय पदाधिकारियों को अलर्ट किया गया एवं विशेष टीम का गठन किया गया ताकि जो भी इसमें अभियुक्त हैं उनको हम लोग गिरफ्तार कर सकें। इसमें एक कांड संख्या 248/24 भी दर्ज किया गया, जिसमें 302/34 और 27/67 धारा लगाया गया। टीम गठन होते ही टीम गठन करते ही जो है हम लोगों ने कारी यादव जो मुख्य अभियुक्त उसके घर पे छापेमारी की एवं उसके अन्य ठिकानों पे भी हम लोगों ने छापेमारी की और तकरीबन हम लोगों ने 8-9 बजे के आसपास इसे हम लोग गिरफ्तार कर दिया। और इसके निशानदेही पे जो वेपन यूज किया गया था हत्या करने में उसको भी हम लोगों ने बरामद किया। इसमें और भी कुछ व्यक्तियों का नाम आया है केस में और उनकी संलिप्तता की बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं अभी और उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम लोग ने बरामद जो किया है वो एक देसी पिस्टल किया है, एक जिंदा कारतूस किया है, जो घटनास्थल से जो प्लेट बरामद किया है, खोखा बरामद किया है, इसका हम लोग एफएसएल जांच कराएंगे, बैलिस्टिक जांच कराएंगे ताकि जो अभियुक्त हैं उनको हम लोग सजा दिला सकें। इस टीम में जो भी हमारे पुलिस पदाधिकारी थे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में ही ये टीम बनाई गई थी, तो इनको हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे, साथ में इनको तकनीकी शाखा जो है उसकी भी सपोर्ट मिली थी। तो इसी प्रकार जो है हम लोगों ने त्वरित सहरसा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर जैसा बताया जा रहा है कि जो हत्या एक दिन पहले एक जागरण वगैरह हो रहा था उसी क्रम में इनके बीच तूतू में हुई थी, लड़ाई हुई थी और उसी के आक्रोश में अगले दिन आपसी में ये लोगों ने फायरिंग कर दी और इससे घटना हुआ, कारण यही। सर ये कहाँ का हथियार है, किस तरह का कारतूस है जिससे कि ये घटना को अंजाम दिया गया, आखिर कहाँ से आता है, कहाँ ये सब कुछ अनुसंधान का विषय।